प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय इस गोल सर्कल में पेशाब की या फिर यूरिन की कितनी बूंदें डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। देखिए दोस्तों, हमारी पुरानी वीडियोस में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय जान लिया कि कौन सा सबसे सही समय होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपने ये भी जान लिया कि कौन सा यूरिन सैंपल सबसे बेस्ट होता है। आज की इस वीडियो में एक नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो गोल सर्कल में यूरिन तो डालते ही हैं, लेकिन कभी इस बात पर आपने गौर नहीं किया कि ये जो यूरिन की बूंदें हम डाल रहे हैं ये कितनी डालनी चाहिए, एग्जैक्ट फिगर इसका क्या है, क्या बहुत ज़्यादा डाल देंगे या बहुत ज़्यादा कम डाल देंगे तो इससे क्या प्रेगनेंसी टेस्ट पर असर पड़ता है, तो इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, जो कि जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट की शुरुआत करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि पहली चीज़ तो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल ही यूज़ करना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्या होते हैं, ये एसीजी हार्मोन को मापकर हमें रिजल्ट बताते हैं। तो एसीजी हार्मोन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा किस वक्त होता है? वो होता है मॉर्निंग के समय, जब सोकर उठते हैं हम, तो वो समय एसीजी हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है। उस टाइम के यूरिन सैंपल को अगर हम कलेक्ट करके यूज़ करेंगे तो उससे रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आएगा 100%, कोई कन्फ्यूज़न बना नहीं आएगा। दूसरी बात, सही टाइम पे करें। सही टाइम से मेरा मतलब, अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं, 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है प्रेगनेंसी टेस्ट को करने का। तो ये थी सबसे दो जरूरी इंपॉर्टेंट बात। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, गोल सर्कल में कितनी बूंदे हमें डालनी चाहिए। तो दोस्तों, बूंदे कितनी डालनी है इस गोल घेरे में, उसका सबसे सटीक जवाब ये है कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। मान लीजिए आप सवेरे के फर्स्ट यूरिन सैंपल से अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय आपको उस यूरिन में से केवल 2 या 3 बूंदे डाल लेंगे इस गोल घेरे में, तो आपका काम हो जाएगा, आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि उस समय, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि एसीजी हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा यूरिन सैंपल में, तो सुबह के टाइम 2 बूंदे ही काफ़ी है। अब बात करते हैं दोपहर तक के टाइम की। देखिए, दोपहर तक का जो टाइम होता है, उस समय तक एसीजी हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है शरीर में। तो ऐसी सूरत में आपको कम से कम 4 या 5 बूंदे डाल देनी चाहिए इस गोल घेरे में। ये संख्या ठीक है इस समय के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं रात में कितनी बूंदे डालें इस गोल घेरे में। देखिए दोस्तों, रात को आपको कम से कम 6 से 7 बूंदे पेशाब की इसमें डालनी है। वो इसलिए क्योंकि रात में जो एसीजी हार्मोन का लेवल होता है ना यूरिन में, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसी सूरत में आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा ज़्यादा बूंदे डाल दें, तो 6 से 7 बूंदे डालेंगे वो ठीक है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी मत डालना, नहीं तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट के रिजल्ट पर। ये हमने एकदम बहुत ही एक्यूरेट जो संख्या होती है ना, क्वांटिटी, वो हमने आपको बताई है। इतने मात्रा में अगर आप इस गोल घेरे में यूरिन की बूंदे डालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। लेकिन इससे कम या ज़्यादा डालोगे तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए कि इस गोल घेरे में कितनी यूरिन की बूंदें डालनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।